हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ ब्रेकफास्ट की बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो खाने में तो टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है, और फ्रेंड्स एकदम कम समय में ये बनकर भी रेडी हो जाता है। तो चलिए इस बढ़िया से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए ना सबसे पहले मैंने दो बड़े साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, तो बस इन्हें अभी हम क्या करेंगे, पानी डाल के अच्छे से मैं इसे गीला कर लेती हूँ। तो सभी तरफ जो है अच्छे से पानी डाल देंगे। तो लगभग मैंने 1/4 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद ना इसे हम हाथों में उठा कर ना इसका जो भी एक्स्ट्रा वाटर है ना वो हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से दबाते हुए ना इसका हम जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अलग कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारा पानी इसका निकाल दिया है। अभी इसे दूसरे बाउल में रख लेती हूँ। देन इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 बॉयल्ड एग। तो बस 2 ब्रेड और 2 बॉयल्ड एग से ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें अंडों को जो है ग्रेट कर लेना है। तो इस तरीके से ना बहुत ही ईजीली ये ग्रेट हो जाएंगे। तो फटाफट से ना मैं अंडों को ग्रेट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अंडे भी ग्रेट हो चुके हैं। देन इसके बाद अब हम कुछ मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दें। इसके बाद मैं 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी। 1/2 टीस्पून मैं धनिया पाउडर ऐड कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। और 1 छोटा चम्मच ही ना मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें जो है बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दूंगी। 1 बड़ा चम्मच के करीब ही ना हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। और बस इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही इजीली ये मिक्स हो जाएगा ब्रेड, क्योंकि हमने गीली कर ली है ना, तो बहुत ही इजीली ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाएंगी सभी चीज़ें। इसमें पानी वगैरह आपको डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, बढ़िया से मैं फटाफट से इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, एकदम डो के शेप में आ जाएगा ये। तो ये देखें, ये बढ़िया से रेडी हो चुका है। तो बस नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, हाथों में ना अच्छे से तेल लगा लेते हैं और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे छोटी बॉल के साइज़ का। और बस इस तरीके से मैंने इसे हाथों से गोल गोल कर लिया। तो ये देखें, और इसके बाद दोनों हथेलियों को दबाते हुए ना इसे टिक्की का शेप दे देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही ईजिली ये बनकर टिक्की जो है रेडी हो जाती है। तो इसी तरीके से हम दूसरी टिक्की भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता ना बहुत ही इजी बनाना है और खाने में भी ना बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखें। तो इसी तरीके से ना मैं सारी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो अभी इन टिक्कियों को ना हम ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेते हैं। तो सभी तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो ये देखें, ये टिक्की रेडी है। तो इसी तरीके से भी ना अब बाकी की सारी टिक्कियों को मैं ब्रेड क्रम्स से कोट करके रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये भी रेडी है। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तेल जो है गरम करने के लिए रख दिया था। मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम करना है। उसके बाद एक एक करके टिक्कियों को हम इसमें डालते जाएंगे। एक बार में जितनी टिक्कियाँ बनेगी ना उतनी हम इसमें फ्राई करेंगे। तो ये देखें, और तुरंत इन्हें हमें बिल्कुल भी अलट पलट नहीं करना है। जब ये एक साइड से हल्की सी फ्राई हो जाएंगी ना, उसके बाद मैंने इसे फोक की मदद से पलट कर फ्राई कर लिया है। तो ये देखें, अभी इन्हें अच्छे से अलट पलट करते हुए ना दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, अलट पलट करते हुए ना अच्छे से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, टिक्कियाँ बहुत ही बढ़िया फ्राई हो चुकी हैं, बढ़िया क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो चलिए फटाफट इन्हें तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेड और अंडे का बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अच्छे से तेल निथार लें, और बाकी की टिक्कियाँ भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्रेड और अंडे का ये नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम क्विक सी रेसिपी है फ्रेंड्स, और बनाना तो इसे बहुत ही आसान है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।